नमस्कार दोस्तों, गेटेड झील के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आपका परिचय हेम प्रकाश पाटीदार से करवाने जा रहा हूं। हेम प्रकाश ने 2020 में IIT DAVE से अपना इंजीनियरिंग कंप्लीट किया था, साथ में गेट की एग्जामिनेशन भी दी थी और गेट 2020 में हेम प्रकाश की 560 रैंक थी। उस बेसिस पे हेम प्रकाश का IIT चेन्नई में एडमिशन हुआ था। हेम प्रकाश एक बहुत ही छोटे विलेज से आते हैं, आपने अगर नाम सुना हो नलखेड़ा का, माँ बगलामुखी मंदिर, वहाँ से भी पास में नलखेड़ा के पास में 10 किलोमीटर दूर इनका गांव है, किसान के बेटे हैं। तो हेम प्रकाश आपका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत बधाई ड्रीम इलेवन में प्लेसमेंट की। किस तरह का जर्नी रही, कहाँ स्कूलिंग कहाँ से हुई, फिर कहाँ मतलब JEE के लिए भी प्रिपरेशन आपने की थी तो, और उसके बाद में फिर IIT DAVE भी कैसा रहा? पहले मैं शुरू में गाँव में था, गाँव में अच्छी स्कूलिंग होने के कारण फिफ्थ तक मैंने वहीं पढ़ाई की। उसके बाद में बुआ के यहाँ चले गया पढ़ने के लिए, फिर मैंने वहाँ से किसी ने बताया कि JEE के लिए कोटा चले गया, फिर मैं 3 साल कोटा में तैयारी करी। ट्वेल्थ में मेरे 78% वहीं होने का रिपीट करना पड़ा था। हाँ, उस समय पे वो एक क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया था, उस चक्कर में रिपीट करना पड़ा था। उसके बाद भी मेरे को JEE में एडवांस में अच्छी रैंक नहीं आ पाने के कारण IIT में नहीं हो पाया था। फिर मैंने यहाँ पे इंजीनियरिंग IIT DAVE में एडमिशन लिया था। तो उसके बाद बचपन में IIT एक ड्रीम था, IIT में जाना था और फिर पहला GATE एग्जाम होती है तो उसकी सारी तैयारी करने लग गया। और कहीं ना कहीं जो तैयारी करी थी JEE की, उससे तैयारी को पता चलता कि तैयारी कैसे करी जाती है, थोड़ा उससे हेल्प मिला और उसके हिसाब से हम यहाँ पे कोचिंग में आके यहाँ पे थोड़ा गाइडेंस के हिसाब से तैयारी करी। अच्छा, और कैसा रहा मतलब IIT चेन्नई में किस तरह से, मतलब पढ़ाई किस तरह से रही, क्या मतलब वहाँ पर किस तरह से ग्रूमिंग होती है, किस तरह का एनवायरनमेंट मिलता है, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। बेसिकली यहाँ पे जो होता है अभी लोकल कॉलेजेस में, यहाँ पे जितना वो ज़्यादा जितना असाइनमेंट फोकस किया जाता है, एग्जाम फोकस किया जाता है, लेकिन वहाँ पे कुछ सारे कॉन्सेप्ट होते हैं तो उनके और असाइनमेंट्स होते हैं। मेरे असाइनमेंट होता था कि आपका नॉलेज टेस्ट कर सके। तो पूरा डेवलपमेंट इस तरह से कि असाइनमेंट देकर, असाइनमेंट का असेसमेंट, प्रैक्टिकल मेहनत कर करके वहाँ पर होता है। प्लेसमेंट प्रोसीजर किस तरह की रही, ड्रीम इलेवन में आपका प्लेसमेंट हुआ, सेकेंड डे पे प्लेसमेंट हुआ, कुछ बताएं इस बारे में कि किस तरह का प्लेसमेंट का वहाँ का उनका पूरा प्रोसीजर रहता है और क्या क्या चीज़ें इसमें हेल्पफुल रहती हैं। शुरू में वो प्लेसमेंट बोर्डर का रजिस्ट्रेशन करना होता है, फिर वहाँ पे अपना रेज्यूमे बनाना पड़ता है, फिर वो वेरीफाई करते हैं और रेज्यूमे में आपको जो भी लिखा है आपको प्रूफ देने पड़ता है ताकि आप कुछ फॉर्मी ना लिखें, ताकि ऑथेंटिक रहें। तो उसके बाद आप कंपनी अप्लाई कर सकते हैं पोर्टल के थ्रू। शुरू में 2 महीने सितंबर के बाद से कंपनीज के टेस्ट स्टार्ट होने लग जाते हैं, तो नवंबर एंड तक टेस्ट चलते हैं। उसके बाद आपका जिन जिन में होता है तो December 1 से IIT में इंटरव्यू स्टार्ट हो जाते हैं। फिर हर IIT में 2 स्लॉट होते हैं, स्लॉट वाइज इंटरव्यूज होते हैं और फिर जैसे आपको पहला राउंड होता है उसके बाद आपको सेकेंड राउंड से मेरा ड्रीम इलेवन में था, मेरा पहला राउंड हुआ तो 5 मिनट तक कॉल आया कि सेकेंड राउंड है, फिर उसके बाद 5 मिनट में कॉल आया कि फाइनल है, 4 राउंड है, उसके 2 मिनट बाद में बता देता कि मेरा ड्रीम इलेवन कैसे। अच्छा, इतनी जल्दी फटाफट सब काम, कितनी देर में काम हुआ, मतलब कितनी देर में प्लेसमेंट प्रोसीजर चली? 2 घंटे का था, 2 घंटे की। 3 राउंड थे, 3 राउंड में। 3 राउंड में क्या क्या पूछा गया? पहले राउंड में बेसिक अपने प्रोग्रामिंग टेस्ट की गई, कुछ कोडिंग क्वेश्चन दिए थे और जब फिर कॉन्सेप्ट होते हैं डाटा स्ट्रक्चर वगैरह, डाटा स्ट्रक्चर लेंगे सारा कॉन्सेप्ट वो आपको टेस्ट किए गए थे। सेकेंड राउंड में अपने प्रोजेक्ट के बारे में पूछा गया था और कुछ पजल्स पूछी गई थी और फिर 3rd राउंड में मैनेजर राउंड था, तो मैनेजर और थोड़ा सा बच्चे को ये भी बताएं अपने जो जूनियर्स वगैरह, क्योंकि आपका बैकग्राउंड किस तरह से रहा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जिस जगह से उठ के आए हो और यहाँ तक पहुँचना एक तरह से सपनों की उड़ान जैसा है। तो हेम प्रकाश, तुम्हारी जर्नी बिल्कुल ऐसी है जैसी एक मूवी में दिखाते हैं ना, बिल्कुल एकदम कोई आदमी एक छोटे से लेवल से उठ के, बिल्कुल गाँव के लेवल से उठ के और कोई बम्बई में जाके बिल्कुल एकदम बड़ा आदमी बन जाता है, इस तरह की तुम्हारी जर्नी रही। तो अपने जूनियर्स को कुछ बोलना चाहोगे क्या कि किस तरह से आप मोटिवेटेड रहें, किस तरह से काम करें?
शुरू शुरू में मेरे को बहुत तकलीफ होती थी, बोलने में तकलीफ होती है, मुझे लगता था कि मतलब मेरा इंट्रो समझा नहीं पाऊंगा मैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, होता तो मैटर नहीं करता है, मैटर करता है कि आप कितना आता है, आपने कितनी पढ़ाई करी है, वो मैटर करती है। और IIT से MTech की दुनिया ऐसी है जैसे आपको मिल जाते सपनों में दिखता है। तो ओम प्रकाश बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए, और बहुत आप ईश्वर से यही कामना है कि आप बहुत तरक्की करें जीवन में। थैंक यू।